हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमीरों की नगरी कही जाने वाली मुंबई नगरी में घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। होने को तो यहाँ एक से एक आलीशान और महंगी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं पांच ऐसे घरों के बारे में जो मुंबई में आज तक की सबसे महंगी कीमतों पर बिकने वाले घर हैं। इनकी कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर पांच, मेहरानगिर। मुंबई का फेमस आलीशान बंगला मेहरानगिर कभी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा का घर हुआ करता था। ये 2014 में नीलामी ब्लॉक पर आया था और इस आलीशान घर को गोदरेज फैमिली की स्मिता कृष्णा गोदरेज ने 372 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने नाम कर लिया था। बाद में साल 2016 में इसे तुड़वा कर और आलीशान कर दिया गया। नंबर चार, जाटिया हाउस। मालाबार हिल के टॉप पर स्थित ये जाटिया हाउस आज कुमार मंगलम बिरला का घर है, जिन्होंने 2015 में नीलामी के दौरान इसे 425 करोड़ रुपए में खरीदा था। मूल रूप से ये घर पुदुमजी ग्रुप के मालिक और सांसद रहे मिस्टर जाटिया के बेटे अरुण और श्याम जाटिया के नाम था। आज ये घर मुंबई की सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक है। नंबर तीन, गुलीटा। दोस्तों, वर्ली में समुद्र किनारे बना ये खूबसूरत आलीशान बंगला गुलीटा 2012 में HUL से पीरामल ग्रुप के मालिक अजय पीरामल ने 452 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज इस बंगले में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल रहते हैं। नंबर दो, माहेश्वरी मेंशन। दोस्तों, 2012 में बिजनेसमैन सज्जन जिंदल ने दक्षिण मुंबई में नेपियन सी रोड पर स्थित ये तीन मंजिला आलीशान बंगला माहेश्वरी मेंशन 500 करोड़ रुपए की भारी कीमत में खरीदा था। पहले ये घर माहेश्वरी परिवार द्वारा चलाए गए एक ट्रस्ट के कंट्रोल में था। नंबर एक, लिंकन हाउस। दोस्तों, समुद्र किनारे बसी ये हवेली कभी वांकानेर महाराजा प्रताप सिंह जी झाला वांकानेर का घर था। 2015 में जब ये लिंकन हाउस का नाम नीलामी के लिए आया, तब अरबपति साइरस पुनावाला ने इसे 750 करोड़ रुपए में खरीद लिया। दोस्तों, ये मुंबई में अब तक की सबसे महंगी प्रॉपर्टी नीलामी की डील है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और खबरी क्लब फैमिली में जुड़ें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।